हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द कनेक्टेड वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज की ऑलरेडी वीडियोस हो चुकी हैं, उसमें थोड़ा सा पोर्शन इनकम्प्लीट था जो आज हम कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द निधि कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनीज में ये जो टॉपिक है ये हमारा रह गया था, वी हैड डन अप टिल द डोरमेंट कंपनी। तो आज हम निधि कंपनी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं, गो अहेड रेफर टू द प्लेलिस्ट लिंक और पहले वो वीडियोज़ देख लो एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो। हाई, आई एम सी एस जसप्रीत धंजल, आई एम योर अन अकेडमी एजुकेटर फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, करंट अफेयर्स एंड लीगल एप्टीट्यूड। टाइप्स ऑफ कंपनीज में आज हम पहुँचे हैं निधि कंपनी पे। तो निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी बेसिकली एक कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट ही एज अ निधि कंपनी, मतलब इसका नाम ही निधि कंपनी है। सिर्फ इसमें एक स्पेशल बात है, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है एक आइडिया ऑफ लाइक कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स, राइट। इसका एक आइडिया है कि जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वो पैसे को सेव करते हैं, ठीक है, वो सेविंग करें। दैट आइडिया इज़ इनिशिएटेड हेयर, दैट आइडिया इज़ अप्रिशिएटेड हेयर। और इसमें ये क्या करते हैं, ये मेंबर्स से डिपॉजिट लेते हैं और उनको पैसा लेंड भी करते हैं। अगर म्यूचुअल बेनिफिट है तो डेफिनेटली वो लेंड भी करते हैं पैसा, बट मेन बात है सेविंग सिखाते हैं, डिपॉजिट कराते हैं पैसा। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रूल्स भी दे रखे हैं। इसके काफ़ी सारे यू नो रूल्स में काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दे रखी है जो आप आगे जाके एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो निधि कंपनी है, निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एज ए निधि कंपनी एंड इसका ऑब्जेक्ट है एक्चुअली टू थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स एंड डिपॉजिट्स रिसीव करना एंड मेंबर्स को लेंड करना पैसा फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ कॉल्ड अ निधि कंपनी। निधि कंपनी के बाद हम आएंगे प्रोड्यूसर कंपनी पे। प्रोड्यूसर कंपनी की जो एप्लीकेबिलिटी है वो काफ़ी देर बाद हुई थी। ये सेक्शन 378A से डील करता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो क्या होती है? प्रोड्यूसर कंपनी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज़ नंबर वन, इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, हम इसे कहते ही प्रोड्यूसर कंपनी है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं 378A में। 378A में कुछ ऐसी लिस्ट दे रखी है जिसमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जो कि अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर कंपनी करती है तो इट कैन या कोई कंपनी करती है, इट कैन बी गेट और इट कैन गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड एज द प्रोड्यूसर कंपनी। तो यहाँ पे सबसे मेन है इसकी एक्टिविटीज़ या इसके ऑब्जेक्ट्स जो देखने वाली बात है, राइट। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट एक्टिविटी। अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्शन में, हार्वेस्टिंग में, प्रोक्योरमेंट में, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, तो टेक्निकली जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं ये मेजरली डील करती है एग्रीकल्चर के साथ, क्रॉप्स के साथ, प्राइमरी प्रोड्यूस के साथ। तो अगर मेंबर्स का प्राइमरी प्रोड्यूस है या उन्होंने इंपोर्ट किए हैं गुड्स फॉर देयर बेनिफिट, तो उस केस में डेफिनेटली इट कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी रिलेट्स टू द प्राइमरी प्रोड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो प्राइमरी प्रोड्यूस का प्रोडक्शन, उसकी हार्वेस्टिंग, उसका प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोड्यूसर कंपनी मे कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज़। वो खुद से भी कर सकते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं खुद ही करना है, लेकिन मेजरली प्राइमरी प्रोड्यूस या क्रॉप्स के साथ ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो प्रोड्यूसर कंपनी की तरह रजिस्टर हो सकते हैं। नंबर टू, अब सिर्फ इतना तो होता नहीं है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जैसे उन्हें प्रिजर्व करना, ड्राई करना, डिस्टिल करना, ब्र्यू करना, विंटिंग, कैनिंग, पैकेजिंग, अगर ये सारी चीज़ें भी होती हैं तो भी वो प्रोड्यूसर कंपनी की तरह रजिस्टर हो सकते हैं, राइट। उसके बाद मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल्स मेनली टू इट्स मेंबर्स। तो फिर वो क्या करते हैं, इसी प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेट करते हुए वो मशीनरी या इक्विपमेंट या कंज्यूमेबल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको हेल्प के लिए चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करना या सिंपली उसे सेल करना या सिंपली उसे सप्लाई करना, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कोई भी कंपनी है, ऑफ कोर्स वी सपोर्ट प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग एजुकेशन। तो किसी भी तरीके की म्यूचुअल असिस्टेंस भी अगर दी जाती है टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी प्रोड्यूसर कंपनी की तरह रजिस्टर हो सकते हैं। रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग,
research and development and all other activities for the promotion of the interest of its members. तो ये सारी activities को render करना, अगर इनमें से वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब it is not only कि they have to do harvesting and all that also, लेकिन अगर वो उन्हें education provide करते हैं, अगर वो उन्हें कोई technical service दे रहे हैं, कोई consultancy दे रहे हैं, उनकी कोई training करवा रहे हैं अपने members की, research development करा रहे हैं, तो वो भी एक producer company की तरह register हो सकते हैं. Generation, transmission and distribution of power, generation, transmission and distribution of power, revitalization of land and water resources, their use, conservation and communications relatable to primary produce. So, generation karna power ki, transmission karna, distribution karna, revitalization karna, land ki, water resources ki, ye sab important hai. इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की इंश्योरेंस करते हो या उनकी प्रोड्यूस की, प्राइमरी प्रोड्यूस की इंश्योरेंस करते हो, तो दोनों ही केसेस में अगेन दे कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी. प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ऐसी टेक्निक्स को प्रमोट करना जो म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे को आगे लेके जाने के लिए है. वेलफेयर मेजर्स करना, वेलफेयर मेजर्स या फैसिलिटीज़ देना अपने मेंबर्स को. तो यहाँ तक मेन सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है. प्राइमरी प्रोड्यूस से रिले करके अगर कोई इक्विपमेंट है या उनको हेल्प कर रहे हो या कोई असिस्टेंस दे रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है. अब इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ अगर कोई ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ हैं या कोई एड ऑन एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो. इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद कोई भी एड ऑन एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो. एनी अदर एक्टिविटी एंसिलरी और इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ विच मे प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें भी अलाउड हैं. एंड फाइनेंस प्रोक्योर करना, प्रोसेस करना, मार्केटिंग करना या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. सो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. प्रोड्यूसर कंपनीज़ में बहुत सिंपल चीज़ है, अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट कंपनी कर रही है, इट कैन गेट रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी. ये बहुत ही रीसेंट और नया टॉपिक है. अब मज़े की बात ये है कि इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि ये प्रोड्यूसर कंपनी है, ये निधि कंपनी है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे NBFC. इन सब से क्या होता है कि आगे चल के जब रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस बनते हैं, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है फॉर द ड्राफ्ट्समैन कि किस टाइप की कंपनी के लिए क्या बनाना है. जैसे पब्लिक कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी में आप देखते हो कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं. रीज़न बीइंग कि प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी जब वो प्राइवेटली टैकल हो रही है, तो रिस्ट्रिक्शंस अपने आप कम ही होंगी. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट. द लास्ट टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि बाकी हमने सारी कर ली थी, द लास्ट टाइप ऑफ कंपनीज NBFC. NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. तो ये कैसी कंपनी हो, ये एक तरीके की है तो फाइनेंस देने वाली कंपनी, राइट. मेनली इसका बिजनेस क्या होता है, लोन्स देना, एडवांसेस देना, शेयर्स अक्वायर करना, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़, ये सब अक्वायर करना, विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है अक्वायर करना. बट डज नॉट इंक्लूड, एक मिनट, डज नॉट इंक्लूड से पहले एक छोटी सी बात है. NBFC, इसका काम फाइनेंशियल कंपनी जैसा ही है, लेकिन बस ये बैंक नहीं है, इसलिए इसका नाम है नॉन बैंकिंग. इसके जो फंक्शंस हैं वो सारे बैंक वाले ही हैं, ठीक है. लोन्स देना, एडवांसेस देना, शेयर्स अक्वायर करना, स्टॉक्स अक्वायर करना, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज अक्वायर करना, लेकिन बस ये बैंक नहीं है. एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आती. अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, परचेज सेल ऑफ गुड्स है, अदर देन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ तो अलाउड है, लेकिन परचेज सेल ऑफ गुड्स है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स बन रहे हैं, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी चीज़ें NBFCs नहीं बन सकती. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो NBFC कुछ नहीं होता. NBFC बेसिकली जो बैंकिंग के सारे फंक्शंस होते हैं, लोन्स देना, एडवांसेस देना, शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ को अक्वायर करना, वो सब कर सकते हैं. बट मेन यहाँ पे क्या है, कौन कौन NBFC नहीं बन सकता, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें फॉल करते हैं कोई भी ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है,
परचेज़ या सेल ऑफ एनी गुड्स है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना है, या सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, राइट। नाउ NBFC विच इज़ अ कंपनी एंड हैज़ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन वन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स बाई वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस इज ऑल्सो अ नॉन बैंकिंग कंपनी। एक्चुअली कोई भी ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस यही है डिपॉजिट्स रिसीव करना, चाहे वो वन गो में रिसीव करें चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करें, ये भी एक तरीके की NBFC होती है। इसको हम रेजिडरी NBFCs कहते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ NBFC, राइट। तो ये तीन तरीके की कंपनीज हैं जो हमारी पेंडिंग थी और आज हमने कर ली, ठीक है। बाकी तो हमने कर ही ली थी निधि कंपनी। निधि कंपनी में ज़्यादातर वो मेम्बर्स को ये आदत डालते हैं, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, हैबिट ऑफ सेविंग्स, राइट, एंड मेंबर्स से डिपॉजिट लेना, उनको पैसे लेंड करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर कंपनीज़ की बात करें तो प्रोड्यूसर कंपनीज़ में मेनली प्राइमरी प्रोड्यूस के बारे में बात होती है। प्राइमरी प्रोड्यूस की प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब, या उसके अलावा उसकी प्रिजर्विंग करना, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग, कुछ भी, ये सब कुछ प्रोड्यूसर कंपनी में आता है, क्योंकि ये सब कुछ प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, प्राइमरी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो मशीनरी की, इक्विपमेंट की, कंज्यूमेबल्स की, या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड करना म्यूचुअल असिस्टेंस पे, कि मिल के कैसे हम काम कर सकते हैं, म्यूचुअली असिस्टेंट हम कैसे बन सकते हैं। रेंडरिंग, यू नो, दिस टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके अलावा पावर जनरेट करना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि बाकी सब सर्विसेज तो हैं लेकिन उन चीज़ों के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूस के लिए आप पावर जो है जनरेट कर रहे हो, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उन्हें लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, पानी प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो कोई भी कंपनी जो किसी भी तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूस के साथ रिलेटेड है वो एक्चुअली अपने आप को प्रोड्यूसर कंपनी की तरह जो है रजिस्टर करवा सकती है। इवन जो इनका इंश्योरेंस कराते हैं, जो टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं, इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो सब भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन सब के साथ वो कंपनीज़ भी आ जाती हैं जो ऑक्सिलरी काम कर रही हैं, जो इनसे रिलेटेड काम कर रही हैं, या इनके लिए पैसा अक्वायर करना, पैसा लेकर के आना, प्रोसेसिंग देखना, मार्केटिंग देखना, वो भी सब यहीं पे होता है। ऑन द अदर हैंड NBFC बिल्कुल बैंक की तरह लोन्स देना, एडवांसेस देना, अक्वायर करना, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को, लेकिन क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आती। कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट जिसका प्राइमरी बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, परचेज़ और सेल ऑफ एनी गुड्स है, प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज है, सो दिस इज़ टू बी सीन एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आखिर की तीन टाइप्स ऑफ कंपनीज़ है जो हमने नहीं की थी, एंड आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया। तो सारी कंपनीज़ के साथ टूवर्ड्स द एंड हमने ये तीन टाइप की कंपनीज़ भी कर ली हैं। इन तीन टाइप्स की कंपनी के बाद अब आने वाले वीडियोज़ में आपको वन शॉट रिविजन मिलेगी सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की, सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, एंड पिन कॉमेंट में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। आई होप दिस हेल्प्स। आई विल सी यू सुपर सून इन अदर वीडियो। टिल देन मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग।